हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? तो टुडे वी आर गोइंग टॉक अबाउट एक्सेल कैंडीज। हम लोग को एक्सेल कैंडीज मिलेगी कैसे? सो गाइस, आप लोगों को तो पता ही है ना कैंडीज क्या होती है। तो जिन लोगों को कैंडीज के बारे में नहीं पता, मैं बता दूँ थोड़ा सा। तो गाइस, यहाँ पर दो टाइप की कैंडीज होती है। एक होती है वो कैंडी जो कि आपकी पोकेमोन की कैंडी होती है। सपोज डेट गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पोकेमोन पे आता हूँ, तो ये मिल्टन है गाइस, ठीक है। तो मिल्टन कैंडी आप देखेंगे, ये मिल्टन कैंडी लिखा हुआ गाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं मिल्टन कैंडी। हर पोकेमोन की अपनी अपनी कैंडीज होती हैं, सबकी इंडिविजुअल कैंडी होती है। जैसे ये नूमल है, तो ये नूमल कैंडी है, कैंडीज है गाइस, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो पोकेमोन है उसकी कैंडीज उसी के नाम से हो। सपोज दैट गाइस, मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं ड्राटिनी पे, चलते हैं गाइस। तो ड्राटिनी पे गाइस क्या लिखा हुआ है? ड्राटिनी कैंडी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ड्रैगनाइट पे जाएंगे तो ड्रैगनाइट कैंडीज आएंगी, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर इंटेलिजेंट होंगे जो कमेंट होंगे, ये तो हमको पता है। तो गाइज, इन कैंडीज़ का यूज़ क्या है? तो इन कैंडीज़ का यूज़ काफ़ी जगह पर आता है। सपोज़ अगर आपको कोई पोकेमोन इवॉल्व करना है, अगर आपको ड्राटिनी को इवॉल्व करना है गाइज, तो आपको यहाँ पर लगेगी कैंडीज़। इवॉल्व के आगे लगाए कैंडीज़, ठीक है, 25 कैंडीज़ लगती है। वहीं पर जब हमने ड्राटिनी को इवॉल्व कर लिया ड्रैगन एयर में, तो यहाँ पर क्या लग रहा है गाइस? 100 कैंडीज और लग रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैंडीज का यूज़। अब गाइस, दूसरे टाइप की कैंडी होती है गाइस, जो कि है रेयर कैंडीज। तो रेयर कैंडीज आपके आइटम में होती है और कहीं नहीं होती गाइस, आपको आइटम्स में जाके देखना पड़ेगा। ये इंसेंस का कलर ऐसा क्यों हो रखा है? ओके गाइस, तो यहाँ देखेंगे मेरे पास 12 रेयर कैंडीज हैं गाइस। तो इन कैंडीज पर क्लिक करके आप किसी भी पोकेमोन को कैंडीज देके उसकी कैंडीज को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राटिनी को देखें हम लोग, ड्राटिनी की जो 56 कैंडीज हैं उसको हम लोग 60 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, जितनी कैंडीज हैं रेयर उसके हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सीन हो गया रेयर कैंडीज का और कैंडीज का। कैंडीज कैसे मिलती है? बेसिक सी बात है गाइस, ये आपको पोकेमोन कैच करने पर मिलती है। और ये कैंडीज वेरीज करती है कि आप किसको कैच कर रहे हो और कैसे कैच कर रहे हो, ठीक है। कैसे वाला तो मैंने यूँ ही बोल दिया, कैसे मैं मतलब रेयर कैसे वो बताऊंगा, मैं वीडियो में बताऊंगा। तो किसको कैच कर रहे हो? सपोज़ आप ड्राटिनी कैच कर रहे हो तो आपको 3 कैंडीज मिलेंगी। वहीं पर आप उसके बड़े एवोल्यूशन को कैच कर रहे हो, ड्रैगन एरो कैच कर रहे हो, या फिर आप ड्रैगन एरो कैच कर रहे हो, ड्रैगन एरो कैच करोगे तो आपको 5 कैंडीज मिलेंगी एक पोकेमोन पकड़ने पे। वहीं पर ड्रैगनाइट को कैच करने पे आपको 10 कैंडीज मिलेंगी पकड़ने पर। तो ये मैटर करता है। उसके बाद जो मैं कह रहा था ना कि कैंडीज मैटर करती है, आप किस टाइम पकड़ रहे हो, कैसे पकड़ रहे हो, वो भी मैटर करता है गाइस। कोई इवेंट में कैच कर रहे हो जहाँ पर डबल या ट्रिपल कैंडीज मिल रही हो, तो उधर अलग मैटर होता है, ठीक है। या फिर आप पाइन बेरीज यूज़ कर रहे हो तो वो एक अलग पार्ट है, उन पर डबल कैंडीज मिल जाती है। तो ये हो गया बेसिक सफंडा कैंडीज का। हर पोकेमोन की अपनी प्राइवेट कैंडीज होती हैं। अब बात करते हैं रेयर कैंडीज का। रेयर कैंडीज के बारे में अगर अच्छे से जानना है, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, उसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, कहाँ से रेयर कैंडीज मिल सकती है, आपको अनलिमिटेड रेयर कैंडीज कैसे मिलेंगी। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता, बस सोर्स होते हैं जहाँ से आपको डेली चीज़ मिलती रहे, उसको हम लोग अनलिमिटेड बोल सकते हैं क्योंकि उसकी लिमिट नहीं है। बट उसमें एक टाइम जोन है, एक टाइम है कि उस टाइम तक मिलेगी। मतलब आज आप दिन में 5-6 बार ले सकते हो, ये एक लिमिट है बट अनलिमिटेड है। तो उसके लिए गाइस आप एक काम कर सकते हो, आई बटन जरूर चेक कर लेना, यहीं कहीं मिल जाएगा। ऊपर आई बटन गोल रंग का होता है, वाइट कलर का, उसमें आई लिखा रहता है। तो ये वाला कमेंट मत क्या करो, प्रवीण भाई आई बटन कहाँ है, ठीक है। तो आई बटन बिल्कुल ऊपर है, वहाँ पर आपको सोर्स ऑफ रेयर कैंडीज मिल जाएंगे, वो वीडियो बाद में देख लेना। अब बात करते हैं गाइस, एक्सेल कैंडीज क्या होती हैं। तो एक्सेल मतलब सबको पता होगा एक्स्ट्रा लार्ज। इसको आप कहीं और लेके मत जाना, पहले ही कह रहा हूँ, बहुत खुराफाती लोग हो तुम लोग यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज का मोटिव क्या है? तो गाइस, कैंडीज जो होती हैं उनका यूज़ लेवल 40 तक है। बट लेवल 40 के अगर आगे आपको चीज़ें करनी है तो वहाँ पर यूज़ होगा एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज का। अभी तक पोकेमोन गो में, जब इस टाइम जो वीडियो बना रहा हूँ नवंबर के महीने में, अभी तक बहुत ही कम लोगों के पास एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में नहीं है, या फिर और कहीं वर्ल्ड में नहीं है जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, सिर्फ उधर ही है। कुछ प्लेयरों के पास है, गिने चुनों के पास एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज का है सीन कुछ। तो गाइस, एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज की वैल्यू क्या है? तो जैसे कि गाइस, एक एक्स्ट्रा लार्ज कैंडी की वैल्यू होती है 100 कैंडीज। तो मैं मैथमेटिक्स में तो बहुत वीक हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हो गाइस, मेरे पास 1000 मिल्टन कैंडीज हैं। सपोज दैट 1000 मिल्टन कैंडीज हैं,
पर यार यहाँ पर ऐसे ऐसे लड़के हैं ना, कमेंट कर देंगे, देख लेना, हमको पक्का पता है ये लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1000 कैंडीज कर देता हूँ उसकी। तो ये 1000 कैंडीज क्या हो गई गाइस, ये 10 XL कैंडीज हो चुकी हैं। क्या हो गई गाइस, 10 XL कैंडीज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना कमेंट करके कि प्रवीण भैया तुम गलत बोल रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कहीं से पढ़ के बता रहा हूँ, मैंने इसके बारे में रिसर्च की, उसके बाद बता रहा हूँ। तो ये होती है कैंडीज, इनको हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 कैंडीज पर एक कैंडीज मिलती है। एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज आपको कैसे मिलेंगी उसके बारे में बताता हूँ गाइस। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं सारे पॉइंट्स पे जाऊँगा धीरे धीरे। तो तब तक वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए, लड़कों को वीडियो में रोक के रखने के लिए, यहाँ पर हमको ये चीज़ लानी पड़ेगी गाइस। तो यहाँ पर हमारा शाइनी मेल मेटल है, तो आप इसको देख के अपनी आँखें सेक सकते हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए, जिसका वेस्ट हो गया और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो गाइस एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज कैन बी बॉट फॉर 100 कैंडीज, मतलब 100 कैंडीज पर हम लोग एक एक्स्ट्रा लार्ज कैंडी ले सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज हम लोगों को पोकेमोन कैच करने पर भी मिलेंगी, बट कितने कैच करने ये मुझको नहीं पता। कैचिंग पोकेमोन पे लिखा है, रिवॉर्डेड फॉर कैचिंग पोकेमोन एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज मिलेंगी। ये पहला सोर्स हो गया गाइस 100 कैंडीज, दूसरा सोर्स हो गया कैचिंग पोकेमोन, तीसरा सोर्स है गाइस ये आपको रिवॉर्ड में मिलेंगी जब आप ट्रेड करोगे, जब आप किसी के साथ ट्रेड करोगे पोकेमोन तो आपको मिलेंगी। अभी नहीं मिलेंगी, जब एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज सबके लिए आ जाएंगे, जब आपका लेवल 40 हो जाएगा, जो भी प्रोसेस होगा वो चल जाएगा धीरे धीरे पता। उसके बाद पोकेमोन को ट्रांसफर करने पे भी आपको एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज रिवॉर्ड होंगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग पोकेमोन ट्रांसफर करते हैं हमें एक कैंडी मिलती है, वैसे ही हमें एक्स्ट्रा लार्ज कैंडी रिवॉर्ड में मिलेंगी। कितनी मिलेंगी ये अभी नहीं मुझे पता, क्लियरली नहीं पता है। उसके बाद गाइस हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे फील्ड रिसर्च टास्क मिल सकते हैं, ज़्यादातर वाइज गाइस ये टास्क वो वाले होते हैं जो AR वाले होते हैं। तो फील्ड रिसर्च टास्क क्या होता है, सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। तो जब हम लोग यहाँ पर रिसर्च में जाएंगे तो यहाँ फील्ड लिखा हुआ है, तो फील्ड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी टास्क आते हैं इनको बोलते हैं हम लोग फील्ड रिसर्च टास्क। तो इन टास्क में गाइस हम लोगों को रिवॉर्ड में मिल सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 रेड जीतने पे या 1 रेड जीतने पे कुछ रिवॉर्ड में पोकेमोन मिलने वाले, इनकाउंटर होने वाले, वैसे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज मिल सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ गाइस एक और बात, मैं काउंटिंग भूल चुका हूँ कितने नंबर पे था, हम लोग को ये लेजेंडरी रेड्स कंप्लीट करने पे भी मिलेगी एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज, वाओ। तो गाइस क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर रेड चल रही है, अगर इस रेड में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं रेड जीत जाता हूँ, तो हम लोग को पाइनबेरीज नहीं मिलती थी, हम लोग को गाइस रेयर कैंडीज मिलती थी, हम लोग को मतलब क्या मिलता था यार, पोशंस मिलता था, ये मतलब काफ़ी चीज़ें मिलती थी। तो वहाँ पर हमें अब एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज भी मिलेंगी गाइस जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा जो कि बहुत ईजी है गाइस, इस पॉइंट पे मैं आपको एक बात और बता दूँगा गाइस कि यहाँ पर लिखा हैचिंग एग्स, एग्स हैच करने पे हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैंडीज मिलती है। अगर हम लोग एक पोकेमोन पकड़ रहे हैं तो हमें इतनी कैंडीज नहीं मिलेंगी जितना एक अंडा हैच करने पे हमें कैंडीज मिल रही है। तो अगर आप लोगों को अंडे हैच करने में दिक्कत आ रही तो आई बटन पक्का चेक कर लेना, वहाँ एक वीडियो है गाइस। तो यहाँ पर गाइस क्या होगा कि आपको यहाँ लिखा है 16 4 5 किलोमीटर है, 16 एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज मिलेंगी जब आप 5 किलोमीटर का अंडा फोड़ोगे, और 24 एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज मिलेंगी जब आप 10 किलोमीटर का अंडे फोड़ोगे। देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग कितनी कैंडीज मिलेंगी। उसके बाद गाइज आप लोगों का फेवरेट टॉपिक जो है मिल्टन मिस्ट्री बॉक्स, वहाँ पर भी गाइज हमें 1 घंटे में 18 एक्स्ट्रा लार्ज कैंडी मिलने का क्लेम कर रहे हैं ये लोग, ये वेबसाइट क्लेम कर रही है गाइज। तो गाइज यहाँ पर अगर हम मिल्टन बॉक्स 1 घंटा अगर चलाते हैं तो लगभग 18 तक की हमें एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज मिलने के चांस हैं गाइज। उसके बाद जो नीचे के दो पॉइंट हैं वो थोड़े अलग हैं जो कि इस गुब्बारे के रिलेटेड है गाइज, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग लड़ते हैं गाइज टीम रॉकेट से तो वहाँ पर हमें कुछ पोकेमोन मिलते हैं, तो उधर तो कैचिंग का तो हो गया, वहाँ पर गाइज यहाँ पर कह रहे हैं कॉस्ट कीमत की बात कर रहे हैं गाइज। यहाँ पर प्यूरीफाई करने पे हम लोगों को एक्स्ट्रा लार्ज क्वान्टिटीज लग सकती हैं मिलेंगी नहीं, लग सकती हैं गाइज, ठीक है। मतलब आपके पास ऑप्शन होगा शायद कि आप रेयर के आप नॉर्मल कैंडीज यूज़ करना चाहोगे कि एक्स्ट्रा लार्ज कैंडी यूज़ करना चाहोगे। तो इन कैंडीज़ का बेसिक यूज़ क्या है, चाहे वो प्यूरीफाई हो चाहे शेडो हो, तो वहाँ पर ये सब लगेंगे गाइज। शेडो पोकेमोन्स में ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज लगेंगे जब उनको हम पावर अप करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सीन होगा गाइज। तो ये
अभी इसके ऊपर टेस्ट चल रहा है, मतलब जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ये सब क्या सब्जेक्टिव है गाइस, ये चेंज हो जाएगा आगे जाके, चांसेस हैं क्योंकि अभी टेस्ट चल रहा है, जो होगा चल जाएगा पता गाइस। यहाँ पर गाइस हम लोग चलते हैं धीरे धीरे आगे, तो यहाँ पर हमें लेवल्स के अकॉर्डिंग भी कैंडीज मिल रही हैं, जैसे कि हम लोग लेवल 41 पे अगर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी गाइस हमें, मतलब ये जो लिखा है ये मुझे समझ नहीं आया, बट 10, 12, 15, 17, 20 ऐसे आपको लेवल वाइज भी कुछ रिवॉर्ड्स में मिल सकती हैं गाइस। एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज, एक्स्ट्रा लार्ज स्टार डस्ट, एक्स्ट्रा लार्ज स्टार डस्ट के बारे में थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, बट यहाँ लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू लेवल अप योर पोकीमोन बियॉन्ड 40। बियॉन्ड 40 मतलब होता है कि 40 के अगर आगे आप पोकीमोन को पावर अप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लगेगा यू नीड एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज एंड स्टार डस्ट एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज। तो ये दो चीज़ें लिखी हैं, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करना अगर आप में से किसी को बताओ। बाकी ये वीडियो आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी लड़ाई नहीं करेगा कमेंट में कि तू गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ठीक है। सो गाइज अभी इसके ऊपर टेस्ट चल रहा है, तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से आपको एक्स्ट्रा लार्ज कैंडीज के कुछ सोर्सेस चल गए होंगे पता, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी पता। जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों के लिए अच्छी वीडियो है, जिन लोगों को पता था वो लोग मुझे थोड़ा और क्लियर करें कमेंट में आके, जो बताना है मैं सुनूंगा, मैं पढ़ूंगा गाइज, ठीक है। सो अभी इस वीडियो में इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, और लाइक एंड सब्सक्राइब वाला जो अपना चल रहा है ना फंडा, वो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ओके गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।